नमस्कार, दिशाएं प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आज हम हमेशा की तरह एक नए कोर्स के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारे सभी युवा साथी, सभी स्टूडेंट, सभी दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम में। और आज हम जिस कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है कैरियर इन सीएस, जिसे पॉपुलरली कहते हैं कैरियर इन कंपनी सेक्रेटरी। एक कॉमर्स के बाद में स्टूडेंट्स के मन में जिज्ञासा रहती है ट्वेल्थ के बाद में क्या कोर्स किया जाए, और उसमें कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का एक बड़ा नाम है। हमने एक्सपर्ट के रूप में इनवाइट किया है भारतीय कंपनी सचिव संस्थान जयपुर चैप्टर के चेयरमैन राहुल शर्मा जी को। राहुल शर्मा जी का एक मैं छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। राहुल शर्मा जी न केवल कंपनी सेक्रेटरी हैं बल्कि इन्होंने एमबीए भी किया है और लॉ के भी छात्र हैं। इसके अलावा इनका 8 साल का अनुभव है प्रैक्टिस के रूप में, और वर्तमान में कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट जयपुर चैप्टर में वो चेयरमैन का पद सुशोभित कर रहे हैं। राहुल जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। राहुल जी, बड़ी चर्चा होती है कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, मैं गर्ल्स से पूछता रहता हूँ और इसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स भी चर्चा करते हैं कि सर हम सीएस करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी करेंगे, बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी क्या है? सर, बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी कोर्स जो है वो भारतीय कंपनी सचिव संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का एक कोर्स है, और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के एक विंग है। सन 1968 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, और लेटर होन 1980s में जाके भारतीय पार्लियामेंट ने इसको एक स्टेचुटरी बॉडी बना दी। सो इट्स ए गवर्नमेंट कोर्स, और इसके अंदर एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है सर ये। कंप्लाइंस, जो कॉर्पोरेट के कंप्लाइंस है उससे रिलेटेड है ये कोर्स। मतलब आपका कहना है कि अगर पार्लियामेंट ने इस वाले कानून को पास किया है तो गवर्नमेंट का कोर्स हो गया जी। तो स्टूडेंट्स के मन में अगर ये धारणा हो कि कोर्स गवर्नमेंट का है, प्राइवेट का है, तो हम उनको बताएं कि ये वाला जो कोर्स है गवर्नमेंट का। बिल्कुल सर, डेफिनेटली ये बिल्कुल एक गवर्नमेंट कोर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। जो एमसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कोर्स को कंडक्ट कर रही है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर मिनिस्ट्री ने किया हुआ है इस कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए, या किस प्रकार से जो हमारी मिनिस्ट्री या सरकार है इस कोर्स में एंट्री लेवल से लेकर के स्टूडेंट को किस प्रकार से अट्रैक्ट करती है? सर, बेसिकली सीएस कोर्स के अंदर तीन स्टेजेस होते हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। फाउंडेशन लेवल जो है वो इनिशियल स्टेज है, बेसिक स्टेज है फाउंडेशन लेवल की है, और फाउंडेशन लेवल क्लियर होने के बाद नेक्स्ट स्टेज आपने कौन सा बताया? एग्जीक्यूटिव, सेकंड स्टेज है, और सेकंड स्टेज क्लियर होने के बाद में आपका प्रोफेशनल लेवल है जो थर्ड स्टेज है। ठीक है, मतलब तीनों स्टेज हायरार्की है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट चाहता है डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव या डायरेक्ट प्रोफेशनल करना चाहे तो नहीं कर सकता? नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में आ सकते हैं। उसके लिए एक अलग एंट्री पॉइंट है, एक अलग एंट्री सिस्टम है। फाउंडेशन के लिए हम बात करते हैं तो 10+2 यानी 12वीं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और यदि आप ग्रेजुएशन के थ्रू आते हैं तो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में आ सकते हैं। अच्छा, मतलब कोर्स में ज्वाइन करने के दो स्टेज हैं, एक है कि 10+2 के बाद में कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, उसमें फाउंडेशन में एडमिशन मिलेगा, और अगर आपने बताया ग्रेजुएशन के बाद में जी, ग्रेजुएशन के डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में उसको एडमिशन मिल जाएगा जी सर। तो जो स्टूडेंट अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद में आता है तो उसको फाउंडेशन के एग्जाम्स या फाउंडेशन लेवल पास नहीं करने की जरूरत है, या एग्जम्पशन हो जाएगा? सर, जो स्टूडेंट डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में आता है उसको फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाउंडेशन कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन के बेसिस पे डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट उसको फाउंडेशन का एग्जम्प्टेड हो जाएगा जी। तो उसके बाद दो ही लेवल रह गए, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, ये दो लेवल के बाद में कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं और रिक्वायरमेंट उसको पूरा करने के बाद में। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन पूछेगा। हेलो सर, मेरा नाम अंतिमा माधानी है, और मेरा सवाल ये है कि मैंने इसी साल 12th पास की है, तो कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में एडमिशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और क्या इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए? ये बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन है कि अधिकांश जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जुड़े हुए भी हैं, 12th उन्होंने कर लिया, और 12th के बाद ही पेरेंट्स भी चाहते हैं, स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि उनका करियर कहीं ना कहीं एक स्टेबल हो जाए। तो उनका क्वेश्चन है 12th के बाद में क्या किस प्रकार से इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं? सर, जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी, फाउंडेशन लेवल के लिए 12th एलिजिबिलिटी है। फाउंडेशन के अंदर स्टूडेंट रजिस्टर कर सकता है जस्ट आफ्टर क्वालिफाइंग देयर 12th। इसके अलावा हमारा प्रोविजनल एडमिशन का भी एक क्राइटेरिया है, जिसके अंदर जो बच्चा 12th अपीयर कर रहा है उसका एडमिट कार्ड आ गया है, तो वो अपने एडमिट कार्ड, अपने जो एग्जाम के एडमिट कार्ड के बेसिस के ऊपर, 12th के एग्जाम एडमिट कार्ड के बेसिस के ऊपर फाउंडेशन में एनरोल करा सकता है। तो फाउंडेशन में एडमिशन के लिए आपने बताया 12th का एडमिट कार्ड ही सफिशिएंट है जी, वो प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। हाँ। और अगर उसका 12th हो गया तो भी एडमिशन उसको कोर्स में आराम से उसको मिल जाएगा, वो प्रोविजनल नहीं होगा, उसका परमानेंट हो जाएगा। बट आपको प्रोविजनल एडमिशन जब हो जाता है तो प्रोविजनल एडमिशन के 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी मार्कशीट जमा करा के उसको परमानेंट कराना पड़ेगा। कहने का मतलब जिन स्टूडेंट्स ने 12th का एग्जाम दे दिया है उनका सिर्फ रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट अवेटेड है, तो अपने एडमिशन कार्ड के बेस पर ही वो इस वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें जी। दूसरा क्वेश्चन का था कि क्या इसमें 12th में किसी तरह का परसेंटेज लेवल चाहिए या बिना परसेंटेज लेवल के एडमिशन लिया जा सकता? नहीं सर,
सीएस फाउंडेशन एंट्री लेवल के लिए एज सच कोई एडमिशन कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया मार्क्स की कोई गाइडलाइन नहीं है ऐसी, मतलब कुछ भी परसेंटेज हो सिर्फ पास होना चाहिए और 12th में एडमिशन ले सकता है। बेसिक एलिजिबिलिटी 12th आप पास होने चाहिए। 12th पास होने चाहिए। हाँ, नेक्स्ट। नमस्कार सर, मेरा नाम पायल मिश्रा है। मेरा सवाल ये है कि मैंने भी इसी साल 12th पास करी है और जनरली ये माना जाता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे ही सीएस कर सकते हैं, सीएस परस्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करती हूँ, तो क्या मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ? ये बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन है। बच्चों के मन में रहता है कि सीए कोर्स, सीएस कोर्स, सीएमए कोर्स में जो बच्चे हैं वो 12th के बाद में कॉमर्स ग्रेजुएट या कॉमर्स उनके पास फील्ड होना चाहिए। तो क्या इनका क्वेश्चन है कि ह्यूमैनिटीज से हैं या कोई साइंस का बच्चा है, इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है या नहीं ले सकता? सर, ये बहुत ही एक ना भ्रांति है कि सिर्फ सीए, सीएस, सीडब्ल्यू जो कोर्स हैं कॉमर्स के बच्चे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर किसी भी स्ट्रीम का बच्चा, चाहे वो साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स को छोड़ के बाकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपने अपनी 12th करी है, आप फाउंडेशन लेवल में एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, और उसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया भी, परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया, तो एक तरह का फाइन आर्ट्स को छोड़ के कोई बच्चा इस कोर्स के बारे में सोच सकता है और अपना करियर बना सकता है। सर, मेरा नाम ईशा जैन है। मुझे पूछना था कि फाउंडेशन में पास होने के कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं? ठीक, अभी हालांकि इसका जवाब दे सकते हैं कि, लेकिन अगर आप रिपीट क्वेश्चन है कि आप बताएं कि इसमें क्या 12th में फाउंडेशन की बात करें। अच्छा, फाउंडेशन में, अच्छा इनका क्वेश्चन है कि जो फाउंडेशन अगर कोई एडमिशन ले लेता है जी, बट उसके पहले क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि इनका कि कितना पास परसेंट इसमें चाहिए? फाउंडेशन के लिए जो हमारा पासिंग परसेंटेज है वो सर 50% ओवरऑल प्लस 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ये हमारा पासिंग क्राइटेरिया रहता है। तो फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स हैं? सर, फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट हैं जो बेसिकली आपका हर स्ट्रीम कवर कर रहा है, अकाउंट्स एंड ऑडिट, इकोनॉमिक्स, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, और ये बिल्कुल एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम होती है और साल में 2 बार इसकी एग्जाम होती है। अच्छा, साल में 2 बार एग्जाम है और आपने एक बार सब्जेक्ट 4 बताए इसमें जी, और ये जो एग्जाम्स आपने बताए कि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं है, ये ऑनलाइन एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम में जो पास परसेंटेज आपने बताया कि इंडिविजुअल 4 पेपर हैं, उसमें इंडिविजुअल पेपर में 40% चाहिए, ओवरऑल 50% और ओवरऑल 50% चाहिए। तो जो एग्जाम्स होंगे वो कहाँ पर होते हैं? एग्जाम सर हमारे ICSI के डेडिकेटेड एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं। बच्चे का जो एडमिट कार्ड आता है उसके ऊपर हम बताते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर पर्टिकुलर इस जगह पे होगा, और भारतवर्ष के अंदर सीएस के एग्जामिनेशन के लिए ऑल ओवर मोर देन 200 सेंटर्स हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर्स भी हैं हमारे। तो ये जो एग्जाम जो भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, उन एग्जाम में सेंटर्स में क्या कंप्यूटर की फैसिलिटी उचित रूप से अवेलेबल रहती है? बिल्कुल सर, कोई कंप्यूटर अटक जाए या कोई हैंग हो जाए ऐसी संभावना तो नहीं रहती? नहीं सर, ऐसी कोई संभावना अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, बिकॉज इसके लिए पर्टिकुलरली बहुत डिटेल्ड एक प्रैक्टिस होती है, पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और जब पूरे मायनाओं पे जब वो सेंटर अप्रूव होता है तभी हम उस पर एग्जामिनेशन सेंटर देते हैं। अच्छा, उसके बाद में तो ऐसा कोई संभावना नहीं होती जी। और जनरली एक एग्जाम होता है, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है? एग्जामिनेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स की है, फाउंडेशन की एग्जाम है, वो 4 शिफ्टों में होती है और 2 दिन के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है। तो बच्चा 2 दिन के अंदर अपने 4 सब्जेक्ट के एग्जाम देता है। तो 2 दिन का टाइम मिलता है पूरा फाउंडेशन क्लियर करने के लिए, और दोनों दिन जो ऐसा आपने बताया वो ऑनलाइन एग्जाम ही होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद में, चूंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो क्या रिजल्ट तुरंत आ जाता है, रिजल्ट में टाइम लगता है? नहीं सर, रिजल्ट उस टाइम पे हाथों हाथ उसका नहीं आता है, बाद में लेटर ऑन इसको अनाउंस किया, क्योंकि पूरे देश का रिजल्ट होता है। हेलो सर, माय नेम इज ईशा जैन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सीएस में जो जो हमारे पेपर्स होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं या एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं? सीएस के पेपर्स के बारे में बात करना चाह रही हैं कि जो उसके पेपर्स हैं सब्जेक्टिव हैं, लेकिन जैसा मैंने फाउंडेशन का बताया इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव है, इसमें तो ऑनलाइन एग्जाम ही है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, लेकिन जो बाकी जो सीएस की स्टेज जैसा आपने शुरू में बताया था एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, उसमें सब्जेक्ट किस प्रकार के हैं? सर, हम बाकी के स्टेजेस की बात करें, फाउंडेशन की हमने कर ली, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आपने सही। बट जब हम एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल की बात करें, वहाँ पे हम एक बच्चे से एक प्रोफेशनल वे के अंदर उसके सब्जेक्ट के आंसर्स की उम्मीद करते हैं, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्टिव आपका पेपर होता है। सो डिटेल्ड आंसर्स की उम्मीद करते हुए आपका एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल एक रिटर्न एग्जामिनेशन है। प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव में रिटर्न एग्जाम है, डिटेल एग्जाम है। तो क्या इसमें सारे पेपर्स हैं वो रिटर्न होते हैं या इसमें डिफरेंट तरह के पेपर्स होते हैं? सर, आपके जो एग्जीक्यूटिव लेवल के अंदर हमारे जो टैक्स का पेपर है और अकाउंट्स का पेपर है उसको हमने MCQ किया हुआ है, बट फाइनल के अंदर अपन जाते हैं तो टोटल वहाँ पे फाइनल में 9 पेपर है, उसमें से 8 और 9 नंबर का जो पेपर है वो एक डिफरेंट कंसेप्ट पे होता है, ओपन बुक सिस्टम हमने उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ है।
ओपन बुक सिस्टम जी। चलिए हम प्रोफेशन की बात करेंगे, जो आपने बताया एमसीक्यू बेस्ड आपने एग्जीक्यूटिव पेपर्स बताए हैं, वो क्या है, किस प्रकार के पेपर्स उसमें होते हैं, किस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं, या वो भी ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू एग्जाम है, या किस प्रकार से होता है वो एग्जाम? सर जो आपके एग्जीक्यूटिव के जो पेपर्स हैं वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स होते हैं, उसके अंदर आपको ऑप्शनल चार ऑप्शंस मिलते हैं, उनमें से आपको जो बेस्ट जो करेक्ट आंसर होता है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो कहने का मतलब जो सीएस का पूरा कोर्स है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर भी है और ऑब्जेक्ट टाइप पेपर्स भी हैं, और उसमें कुछ प्रैक्टिकल पेपर जैसे आपने बताया टैक्स के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, और इसके अलावा बाकी डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स भी हैं जी। और एक जनरल सी भ्रांति में स्टूडेंट्स में देखता हूँ कि जो सीएस कोर्स है, चूँकि कंपनी सेक्रेटरी है और इसका गवर्नेंस है या लॉ से रिलेटेड ज़्यादा काम है, तो क्या ऐसा है कि इसमें लॉ से रिलेटेड पेपर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, या कि स्टूडेंट को अपने पूरे सीएस कोर्स के दौरान लॉ की पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है? सर ये एक जनरल प्रेजम्पशन हो गई है कि कंपनी सेक्रेटरी का मतलब कि लॉ से कंप्लायंस, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ कि हमारा जो मेजर सब्जेक्ट है वो कंपनी लॉ से संबंधित है, बट इसके अलावा अगर आप कोर्स देखेंगे सीएस का तो इसमें हर तरह के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका फॉरेंसिक ऑडिट हो, आईपीआर हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मैंने भी आपको बताया है, और इसके अलावा और आप मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, तो हर तरह के वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं कोर्स में। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के बावजूद भी क्या जो मार्केट में जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कोर्स अवेलेबल है, या जो इंस्टीट्यूट आपने जैसा बताया वो एक कोर्स को अपडेट करने के लिए समय समय पर उचित तरीके से इसका इस्तेमाल करता रहता है? जी सर, इंस्टीट्यूट समय समय पे कोर्स प्लस मेंबर्स के अपडेशंस के लिए सेमिनार्स प्रोग्राम टाइम टू टाइम कराता रहता है, और इस बार मैं बताना चाहूँगा कि जयपुर के लिए एक बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 12 साल बाद नेशनल कन्वेंशन वापस जयपुर में हो रही है, ये कंपनी सेक्रेटरीज के लिए एक महाकुंभ है ऑल ओवर इंडिया, ना कि इंडिया बाहर से भी इंटरनेशनल और नेशनल डेलीगेट्स 2000 से ऊपर जयपुर के अंदर नवंबर में नेशनल कन्वेंशन के लिए पधारेंगे। तो ये मेंबर्स के अपडेट्स का है जी सर। पर उसके पहले अगर हम बात करेंगे जो कोर्स के बारे में बात करें, जिसमें आपने बताया, आपने क्वेश्चन जो बताया जैसा कि सभी तरह के इसमें सब्जेक्ट्स अवेलेबल जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, मेरा नाम महिमा नवलानी है, मैंने अभी 12th क्लियर किया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सीएस में सारे थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी आते हैं? नहीं, अभी इन्होंने इसका आंसर दिया है कि सीएस में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट्स हैं इसमें, और न केवल इतना इन्होंने बताया बल्कि ये भी बताया कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों तरीके से पेपर्स हैं। कोई प्रैक्टिकल पेपर का एग्जांपल वापस बताना चाहेंगे एक बार? प्रैक्टिकल पेपर की अगर मैं बात करूं तो कॉस्टिंग, कंपनी अकाउंट्स, टैक्सेशन, ये हमारे प्रैक्टिकल पेपर्स ऑलरेडी कोर्स में है। और राहुल जी, क्वेश्चन बनता है जैसा आपने बताया कि फाइन आर्ट्स के अलावा कोई भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है, तो जो ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है उसने तो कॉस्टिंग या कंपनी अकाउंट्स में कभी पढ़े ही नहीं जी, तो वो किस प्रकार से अपने आप को कोप अप कर सकता है? सर ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जब जो स्टूडेंट है फाउंडेशन लेवल बेसिकली उसको उसी के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन अगर कोई आर्ट्स ग्रेजुएट बच्चा है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में एनरोल करता है, तो जो उसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है उसके साथ साथ हम उसे फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल भी देते हैं ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके अकाउंट्स बैकग्राउंड के लिए। अच्छा, तो उसको आप वो स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा अवेलेबल कराते हैं जिससे कि वो पढ़ाई कर सके और बेसिक से वो अपना स्टार्ट कर सके। बट आपने आंसर दिया। हाँ मैं नेक्स्ट। मेरा नाम अनमोल शर्मा है, मुझे जानना था कि मैं अगर अपने आप को सीएस कोर्स में रजिस्टर करना चाहूँ तो इसकी फीस कितनी होगी और ये फीस वैलिड कब तक रहेगी? देखिए वास्तव में एक अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चा जानना चाह रहा है कि इस कोर्स में एडमिशन लूंगा तो इसमें क्या एक लाखों करोड़ों का खर्चा तो नहीं है, या कितना इसमें टोटल खर्चा होगा, या जो आपने फाउंडेशन आपने बताया उसमें क्या फीस अवेलेबल है? सर हमने बात करी थी शुरू में भी कि गवर्नमेंट का कोर्स है, बिल्कुल ठीक है, और बहुत ही इकोनॉमिकल फीस है, और जो दूर दराज तक जो अपने बच्चे बैठे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोर्स डिजाइन किया गया है। इस कोर्स के अंदर जो एंट्री लेवल है फाउंडेशन, उसकी फीस मात्र 4,500 रुपए है। एग्जीक्यूटिव लेवल की बात करूं उसकी फीस है 8,500 रुपए, और फाइनल लेवल जो है उसकी फीस की अपन बात करें तो वहां पे 12,000 रुपए। तो इसका टोटल सम अप करें तो कुल मिला के 25,000 रुपए की आपकी फीस बनती है इसके अंदर पूरे कोर्स की। तो 25,000 के अंदर आपका बहुत ही एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर के लिए आपके एक कोर्स है आपका। बट आपने 25,000 की फीस बताई, तो क्या 25,000 की फीस का पेमेंट स्टूडेंट एक टुकड़ों में करेगा, सेग्रीगेट करके एक साथ करेगा? बिल्कुल सर, ये टुकड़ों में आपको करना है। जिस लेवल के अंदर रजिस्ट्रेशन करा रहे हो उसके लिए आपको पे करनी है, जैसे ही आपने वो लेवल क्लियर किया उसके बाद नेक्स्ट लेवल जब रजिस्टर करोगे उसके लिए आपको फी पे करनी है। और ये फीस आपकी, जैसे कि बच्चे ने पूछा भी था कि सर कितने समय तक ये वैलिड रहेगी, तो मैं बताना चाहूंगा फाउंडेशन के लिए ये आपकी फीस 3 साल तक वैलिड रहेगी,
एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लिए 5 साल के लिए वैलिड रहती है, और इस फीस के अंदर ना केवल उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, स्टडी मटेरियल की जो कोर्स है वो भी इसमें शामिल है? जी सर। तो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट अवेलेबल कराएगा? जी सर। अच्छा, तो उसको और कोई बुक्स अगर परचेज करनी है तो अपने आप परचेज कर सकता है, बाकी जो बेसिक स्टडी मटेरियल फीस का ही पार्ट है जी, और वो बच्चे के पास में घर पे आ जाएगी या बाय पोस्ट घर पे? बाय पोस्ट घर पे आ जाएगी। ओके, एक जनरली क्वेश्चन बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे आपने फीस तो हालांकि कम बताई 4,500 रुपये, लेकिन हम एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पर 4,500 की फीस भी कई बार देना भारी हो जाता है जी, तो क्या किसी प्रकार की लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है जो एजुकेशन लोन्स वगैरह मिलते हैं इसमें? सर, एजुकेशन लोन फैसिलिटी डिपेंड करता है बैंक्स के ऊपर, बट अगर हम बात करें फीस वेव ऑफ की, तो जो SC ST कम्युनिटी से जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए हमने प्रावधान कर रखा है 50% जो उनकी फीस है वो वेव ऑफ हो जाती है। जैसे आपने 4,500 की फीस आई, 4,500 की 2,250 रुपए उसको एग्जम्प्ट हो जाएगी जी सर, SC ST कम्युनिटी जी सर। इसके अलावा और भी वेवर स्कीम अवेलेबल है जो अपने जो मतलब कि सैनिक बंधु जो हैं, जो मतलब कि शहीद हो जाते हैं, तो उनकी फैमिली है या उनकी जो विडो है उनके लिए भी ये वेव ऑफ स्कीम है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली ही 3-4 दिन पहले और आज के जो लीडिंग न्यूज़पेपर है अपना जयपुर का, उसमें भी था कि ICSI ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स एनरोल होंगे इस कोर्स के अंदर, उनकी 100% फीस वेव ऑफ के फाउंडेशन की किसी भी लेवल में, किसी फाउंडेशन या एग्जीक्यूटिव, बस सिर्फ वहाँ का स्टूडेंट होना चाहिए, उस एरिया का स्टूडेंट होना चाहिए जी सर, तो पूरी की पूरी फीस 100% फीस वेव ऑफ। अच्छा, जो गवर्नमेंट का कोर्स है और कम फीस है, उसके बावजूद भी इंस्टीट्यूट इतनी फैसिलिटी देता है कि एक आम बच्चा इस कोर्स को कर सके, बिल्कुल, और चाहे तो लोन भी ले सकता है जी सर। और इसके अलावा जो डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने, उनके लिए भी उनकी फिजिकल कंडीशन को देखते हुए कुछ वेव ऑफ स्कीम्स हैं, मतलब हर लेवल पे स्टूडेंट्स की एक वेव ऑफ स्कीम अवेलेबल है फीस के बारे में, तो एक बच्चा आराम से कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। और अगर फ्री मान लीजिए जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो वो, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, तो बैंक्स को अप्लाई कर सकता है और बैंक्स केस टू केस बेसिस उसको लोन सैंक्शन कर सकता है। इसके अलावा एक स्टूडेंट का बेनेवोलेंट फंड भी है इंस्टीट्यूट का, सो अगर कुछ स्टूडेंट जो है जो इकोनॉमिकल बैक जो बैकग्राउंड उनका थोड़ा कमजोर है, तो उनके लिए भी एक स्कॉलरशिप के एक प्रोविजन हमारे पास ये सारे अवेलेबल हैं। तो ये क्या सारी स्कीम्स कहीं पर अवेलेबल है कि स्टूडेंट पता कैसे करें इन स्कीम्स का? जी सर, हमारी ये जो सारी स्कीम्स हैं, सारी डिटेल्स हैं, ये ICSI.edu जो हमारी वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, उस पर अवेलेबल है सर। मैं एक बार साइट का नाम बताना चाहूँगा, www.icsi.edu। जी सर, इस वेबसाइट पर सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं, और फाउंडेशन में कैसे एंट्री ले या एग्जीक्यूटिव में कैसे एंट्री ले, ये सारी स्कीम्स में अवेलेबल है जी सर। आई मीन नेक्स्ट सर, मेरा नाम प्रवीण सिंगर है सर, मुझे CS में रजिस्ट्रेशन कराना है, एडमिशन लेना है सर, मैं एडमिशन कैसे ले सकता हूँ CS में, या कोई ऑनलाइन मोड है जिससे कि मैं घर बैठे CS में एडमिशन ले पाऊँ? जी सर, जैसा कि उन्होंने पूछा कि एडमिशन किस तरीके से लेना है, क्या मोड रहेगा, सर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमें डिजिटल इंडिया की तरफ मूव करना है, और इसी दिशा में मूव करते हुए एक पेपरलेस इंस्टीट्यूट बनाने के लिए हमने सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर रखे हैं, ऑफलाइन मोड रजिस्ट्रेशन नहीं है। स्टूडेंट ICSI.edu वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है, उसके लिए सिर्फ अपने उसको कुछ दस्तावेज तैयार रखने हैं, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन के बेसिस पे जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और एक ऑनलाइन फी पेमेंट करनी है उन्हें। आप कहने का मतलब है ऑफलाइन एडमिशन्स अवेलेबल नहीं है? जी सर, ऑफलाइन पेमेंट अवेलेबल नहीं है। दूसरा है, सारे के सारे जो एडमिशन्स है ऑनलाइन ही है जी। अगर हम बात करें एक दूर गांव में बैठा हुआ बच्चा जहाँ पर कि अगर नेट फैसिलिटी नहीं है जी, तो वो किस प्रकार से, या उसके पास मोबाइल नहीं है या स्मार्टफोन्स नहीं है, तो किस प्रकार से एडमिशन ले सकता है वो, क्या ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है कुछ? सर वैसे तो अब बहुत ही मुश्किल है ऐसा कोई गांव ढूंढने के लिए जिसके अंदर आपको नेट या मोबाइल की फैसिलिटी ना मिले, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ कहीं पे समस्या आती है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारे 72 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं, प्लस मोर देन 100 स्टडी सेंटर्स हैं हमारे, वहाँ पे स्टूडेंट जाके रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प मांग सकते हैं और उसको प्रॉपर हेल्प वहाँ पर मिलती है। वहाँ रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, फीस का पेमेंट भी हो जाएगा जी, तो आपके चैप्टर्स ऑफिस से जाएं जी सर, उसको वहाँ पे फुल असिस्टेंस रजिस्ट्रेशन के अंदर मिलेगी। हम राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में ऐसे चैप्टर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है? सर राजस्थान की यदि अपन बात करें तो राजस्थान में हमारे टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर एंड भीलवाड़ा, ये 8 चैप्टर्स अवेलेबल हैं। तो आसपास का बच्चा इन 8 चैप्टर ऑफिस संपर्क कर सकता बिल्कुल, है बिल्कुल, इन चैप्टर ऑफिस में संपर्क कर सकता है। इसके अलावा हमारे स्टडी सेंटर्स भी हैं कई। अच्छा। ऐसी जगह पे है जहाँ पे चैप्टर्स नहीं है तो वहाँ पे हमने स्टडी सेंटर बना रखा है,
और ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि जो सौवा स्टडी सेंटर था वो टोंक जिले के अंदर बनाया गया। अच्छा, तो 100 स्टडी सेंटर पूरे देश में अवेलेबल, बिल्कुल 100 से ज्यादा है, और सौवा स्टडी सेंटर टोंक। तो ये सेंटर्स अवेलेबल है, उनको किसी तरह की समस्या एडमिशन से रिलेटेड नहीं आती। जी सर, यहाँ पर कहना है। हाँ मैंने, हेलो सर, मेरा नाम हर्षा चौधानी है, मैंने इस ईयर अपना बीकॉम कंप्लीट किया है, अब मैं सीएस कोर्स परस्यू करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे सारे लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे या कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल है? देखिए, बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन है, आपने तीन स्टेज बताई थी, एक फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव। आप एग्जीक्यूटिव में अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो किस प्रकार का ये इनको सहायता मिल सकती है? ग्रेजुएशन के बेसिस पे डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन पास नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में एनरोल कर सकते हैं और आपकी ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको सिर्फ एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई करनी है और उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव एग्जाम देके फिर फाइनल के लिए आगे एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव एडमिशन मिल जाएगा तो शुरू में जो चार पेपर हैं वो उनको क्लियर करने की जरूरत नहीं, वो शुरू के जो चार पेपर हैं वो इनके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और ग्रेजुएशन के बेसिस पे डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे जहां इनको 8 सब्जेक्ट के एग्जाम देनी पड़ेगी। तो क्या ग्रेजुएशन में किसी तरह का पास परसेंटेज चाहिए? सर, ग्रेजुएशन के अंदर भी एज सच कोई पासिंग परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट यू आर ए ग्रेजुएट एंड यू आर एलिजिबल फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम का, कॉमर्स आर्ट्स साइंस का स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में? जैसे आपने 12th में तो बताया उसमें ले सकता है, बिल्कुल सर। तो ग्रेजुएट में भी वो फाइन आर्ट्स के अलावा हर स्टूडेंट ले सकता है? सेम वही रूल सर यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा चाहे वो साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स, आप एग्जीक्यूटिव के अंदर अपनी ग्रेजुएशन के बेसिस पे एनरोल कर सकते हैं। बट जो मैंने क्वेश्चन पहले पर आपसे पूछा था कि मान लीजिए बच्चा है और ह्यूमैनिटीज का है जी, तो और सीएस कोर्स करना चाहता है ग्रेजुएशन के बाद में जी, तो आप उसको फाउंडेशन का स्ट्रीम अलग अलग से अवेलेबल कराएंगे जी, जिससे कि वो उस कोर्स को कर सके जी, तो उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देंगे। अच्छा, एक और, चूंकि हमारा राजस्थान है और अधिकांश एक रूरल बेल्ट एरिया है, हिंदी बेल्ट एरिया है जी, तो जो आपके स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनका क्या लैंग्वेज है, हिंदी में है, इंग्लिश में है या बाइलिंगुअल है, किस प्रकार से? सर, जो सीएस कोर्स है वो दोनों ही लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। और जो हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल की जो एग्जाम्स होती है वो आपके दोनों ही माध्यम में होती है, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूँ तो हम उम्मीद करते हैं कि जब बच्चा फाइनल लेवल पे आ गया है तो थोड़ी सी अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करें, तो उसके अंदर एग्जाम हमारे फाइनल के जो हैं वो पर्टिकुलरली सिर्फ इंग्लिश में होते हैं। हमारे जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट से हम प्रोवाइड करते हैं वो इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है, बट इसके अलावा काफ़ी रेफरेंस बुक्स हैं जो हिंदी में अवेलेबल है और बच्चे उनको रेफर कर सकते हैं। अच्छा, रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है लेकिन जो स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश में अवेलेबल है, वो एक थोड़ा स्टूडेंट को शुरू में लगता होगा कि मैं एक इंग्लिश पढ़ रहा हूँ लेकिन रेफरेंस बुक की हेल्पफुल ले सकता है। ओके, लेकिन जैसा आपने बताया जो एग्जाम्स अवेलेबल हैं वो एग्जाम्स एग्जीक्यूटिव लेवल का हिंदी इंग्लिश दोनों में होता जी, और बच्चा अपने आंसर हिंदी में दे सकता है जी, या उसको कुछ ऐसा तो नहीं है, कई बार ऐसा रहता है कि अगर हिंदी में आंसर दिया तो मार्क्स कम आएंगे, ऐसा तो संभावना नहीं? सर, ऐसी कोई संभावना नहीं है। आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको अपना जवाब हिंदी में ही देना है, आप उसके अंदर दूसरी लैंग्वेज या बाय लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, यू हैव टू बी, आपको एक बिल्कुल अपने हिंदी पे ही आपको अपने जवाब देने हैं। अच्छा, और इंग्लिश वाले को इंग्लिश में देने, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में देने, बट पेपर्स दोनों में अवेलेबल हैं और इनकी ऑब्वियसली बात है आंसर बुक एक पर्टिकुलर जगह अलग। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हम उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जवाब दे सकते हैं जी। ओके, नेक्स्ट। हेलो सर, मेरा नाम नेहा गोयल है, सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जनरली देखा जाता है कि सीएस में थ्योरेटिकल बेस्ड माना जाता है, पर सर अगर स्टूडेंट्स का कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? सर सीएस में जो ट्रेनिंग्स हैं वो क्या है, क्या ये ट्रेनिंग्स करनी कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमने जनरली स्किल इंडिया जैसे बात करें मोदी जी की जी, तो स्किल तभी डेवलप होगी जब एक पर्सन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टूडेंट करे जी, तो क्या सीएस सिर्फ टोटल थ्योरी को बेस्ड एग्जाम है या इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल अवेलेबल वो भी कंपलसरी है या नहीं है? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि हालांकि एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है पर इसके साथ हमने काफ़ी ट्रेनिंग्स जो है इस प्रोग्राम के अंदर होती हैं और इसको हमने स्टूडेंट की सहूलियत के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जो स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर एनरोल्ड है या फाउंडेशन कर पास करके एग्जीक्यूटिव के अंदर आया है वो अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर सकता है और उससे 36 months, 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी कंपनी या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंदर करनी पड़ती है। एग्जीक्यूटिव के बाद, एग्जीक्यूटिव के दौरान। अच्छा, एग्जीक्यूटिव दौरान, मतलब फाउंडेशन पास करने के बाद 3 साल की पास करने के बाद में या डायरेक्ट आप एग्जीक्यूटिव में आए हो तो आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी है अगर आप उस टाइम पे शुरू करना चाहते हैं तो, ठीक है। यदि कोई बच्चा कहता है कि नहीं मुझे अभी सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बाद में करूंगा, तो उसको दो और ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन है
आप एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्लियर कर लीजिए और उसके बाद में 24 मंथ्स की 2 साल की ट्रेनिंग आप कर सकते हो किसी कंपनी या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंदर। अगर आप ये भी नहीं ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं तो एक और फाइनल आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप जो लास्ट ऑप्शन है वो है कि फाइनल एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप 1 साल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा, 3 ऑप्शन आपने बताए, फाउंडेशन के बाद 3 साल की ट्रेनिंग जी, एग्जीक्यूटिव के बाद 2 साल की ट्रेनिंग और प्रोफेशनल के बाद में 1 साल की ट्रेनिंग जी सर। स्टूडेंट की चॉइस है, इन तीनों में से कोई सी भी ट्रेनिंग वो कर ले जी सर। ऐसा नहीं कि 36 मंथ्स की नहीं की तो बाद में 24 बाद में 36 करना पड़ेगा, ऐसा नहीं जी सर। ओके, तो 24 या 12 मंथ्स की ट्रेनिंग। तो जनरली जो ट्रेनिंग जो आपने बताया, इस ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है स्टूडेंट को? सर ये जो ट्रेनिंग है इसके अंदर बच्चे की प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर है वो दिया जाता है उसको, मार्केट के अंदर जो पर्टिकुलरली जो ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से बिजनेस मूव हो रहा है, वो सारी चीज़ें उसे सिखाई जाती है। कंपनी से संबंधित, कंपनी के कंप्लायंस से संबंधित उसको काम किया जाता है। आज अगर हम बात करें स्किल इंडिया की, तो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ के साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, किस तरीके से क्लाइंट को फेस करना है, किस तरीके से रेगुलेटर्स को फेस करना है, ये सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। अच्छा, CS कोर्स करने के तुरंत बाद किसी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है या सिर्फ 3 साल की या 2 साल 1 साल की ट्रेनिंग सफिशियंट है? सर CS कोर्स करने के तुरंत बाद में और CS कोर्स करने के दौरान 2 ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको। जैसे ही आप एग्जीक्यूटिव लेवल के अंदर आते हो, तो हमने अभी रिसेंटली 1 जून से ओरिएंटेशन प्रोग्राम लागू किया है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जी, ये 1 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम है फाउंडेशन लेवल के लिए और एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए। जो बच्चा फाउंडेशन में एंट्री लेता है, एटलीस्ट हम उसे वहीं पे समझाएं कि ये कोर्स किस तरह का है, क्या इसके अंदर आपके लिए फ्यूचर के अंदर स्कोप्स हैं और इस दौरान आप क्या क्या चीजों की पढ़ाई करेंगे। दिस इज वन डे ट्रेनिंग वन डे, ओके, एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जून। ओके, और एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए भी सेम यही कंटेंट है, वहां पे भी जो एग्जीक्यूटिव लेवल में डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं उनके लिए भी एक 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। okay. इसके बाद में एक 15 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है जिसका बायोफिकेशन हमने जिसको हमने टुकड़ों में कर रखा है, 2 दिन की 3 दिन की 5 दिन की और 5 दिन की। okay. जो इनिशियल 2 दिन है उसके अंदर इंडक्शन प्रोग्राम होता है, बच्चे को इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसके बारे में समझाया जाता है कि किस तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज वो अवेल कर सकता है, ई लर्निंग के थ्रू वो कैसे सीख सकता है। फिर हम बात करते हैं 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स के जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर वर्क किया जाता है। 3rd डे की जो है प्रोग्राम उसके अंदर हम उसे जो वेरियस गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उससे रूबरू कराते हैं, और लास्ट जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 5 दिन का है, उसके अंदर स्टूडेंट को उनके आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड जो एंटरप्रेन्योरशिप के ऑप्शन है उससे अवगत किया जाता है। और अब फाइनल जब बच्चा पास कर लेता है CS कोर्स, फाइनल एग्जाम उसकी क्लियर हो जाती है, तो उसके बाद में एक 15 डेज की मैनेजमेंट स्किल ओरिएंटेशन प्रोग्राम होती है जो लास्ट इन हाउस ट्रेनिंग है, और उसके बाद में वो स्टूडेंट मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। बड़ा डिटेल आपने जानकारी दी। कोर्स ज्वाइन करने के बाद 1 दिन की ट्रेनिंग जी, फिर बीच में 15 दिन की ट्रेनिंग जी पीस मील में, और उसके लास्ट में 15 दिन की ट्रेनिंग जी सर। और इसके साथ स्टूडेंट की जो 3 साल की मैनेजमेंट की ट्रेनिंग या 2 साल की 1 साल की वो तो चलेगी जी सर। और ये जो 3 या 2 साल की ट्रेनिंग कहाँ करनी पड़ती है? सर ये 3 साल की या जो 2 साल की या 1 साल की जो ट्रेनिंग है ये आप किसी कंपनी के अंदर या फिर आप किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंतर्गत कर सकते हैं, और जो कंपनी और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है वो ICSI के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड होकर उन्हीं के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, ICSI का एक नॉमिनेटेड या एक रजिस्टर्ड एजेंसी है, वही ट्रेनिंग और इसकी बकायदा पूरी लिस्ट ICSI.edu पे अवेलेबल है, इस साइट पे अवेलेबल है। तो स्टूडेंट कोई भी कंपनी अगर वहाँ वैकेंसी है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं जी सर। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और जनरल स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि अगर उन्होंने अपना टाइम दिया है, अपना एक एनर्जी लेवल भी लगाया है, आने जाने का भी उन्होंने अपना खर्चा किया है, तो क्या किसी तरह का स्टाइपेंड इस ट्रेनिंग में अवेलेबल है? जी सर, स्टाइपेंड इसके अंदर अवेलेबल है, और अलग अलग स्टेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग स्टाइपेंड अप्रूव्ड हैं जो कि 3,000 से शुरू होकर 5,000 तक है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है, बट इससे भी अधिक अमाउंट के अंदर स्टाइपेंड मिलता है। ये स्टाइपेंड सिटी टू सिटी अलग अलग अवेलेबल बिल्कुल सर। और तो जयपुर में जो कंपनीज हैं वो भी स्टाइपेंड दे रही हैं? जी सर, जयपुर में भी कंपनी स्टाइपेंड दे रही हैं और बाहर भी काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा है। ओके, और ये जो आपने बताया प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ये भी स्टाइपेंड देते हैं? जी सर, इक्वली इनको भी स्टाइपेंड। तो ये स्टाइपेंड के अमाउंट से जो स्टूडेंट है अपने डे टू डे खर्चा उसको कवर? बिल्कुल सर, बेसिकली जो मोटिव जो रहता है स्टाइपेंड का वो ये रहता है कि जो स्टूडेंट डे टू डे जो उसके एक्सपेंसेस हैं या उसके जो पॉकेट एक्सपेंसेस हैं वो मीट आउट हो सके। और कोई क्वेश्चन? हेलो सर, मेरा नाम सुनील शर्मा है सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में?
अब देखिए बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन आ जाता है कि 3 साल आपने बताया ट्रेनिंग भी करनी है, कोर्स की 3 डिफरेंट स्टेजेज भी उसको क्लियर करनी है, और उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इसमें जैसे आपने बताया कि रिजल्ट जाता है तो रिजल्ट का क्या परसेंटेज जनरली रहता है, जैसे फाउंडेशन की बात करें इसमें क्या रिजल्ट रहता है, देन प्रोफेशन में क्या रिजल्ट रहता है, एग्जीक्यूटिव में क्या रहता है, और उसके बाद में इतना हार्ड रिजल्ट के बाद में उसका करियर संभावना क्या रहती है? सर हार्ड या मतलब कि इजी हम कहें तो कुछ नहीं होता है, जब हम एक प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो प्रोफेशनल कोर्स हमेशा आपसे समय मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है। तो किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आप तभी एंट्री लें जब आप डेडिकेटेड हैं उस कोर्स को करने के लिए। रही बात परसेंटेज की, तो परसेंटेज में आपको बताना चाहूँगा कि फाउंडेशन के अंदर जो हमारा परसेंटेज अभी जो लास्ट रिजल्ट्स हमारे आए हैं उसके अंदर हमारा रिजल्ट रहा है 60-65% के बीच में, और बाकी एग्जीक्यूटिव लेवल की हम बात करें तो वो भी अप्रॉक्स 30-40% के आसपास रहता है, और फाइनल लेवल की यदि मैं बात करूँ तो डेट इज़ ऑल्सो 10-15% के आसपास रहता है। तो प्रोफेशनल फाइनल का रिजल्ट तो काफ़ी एक हार्ड हो ही जाता है जी सर, 100 में से 10 या 15 बच्चे पास हो रहे हैं, बाकी बच्चे फेल हो रहे हैं जी सर। अब ये देखिए आपने ट्रेनिंग ही बताया, रिजल्ट ही बताया, अब इसके बाद में एक वैलिड सा क्वेश्चन है कि करियर संभावनाएं क्या है जिसके लिए बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है? सर करियर संभावनाएं अपार हैं सर, और जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स एक नोबल कोर्स है, और सीएस बनने के बाद में बेसिक जो मतलब कि एक बात करें तो 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जो कि है एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या फिर एक कंपनी के अंदर आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं। सर बहुत ही एक यूनिक बात आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये जो कोर्स है ये बहुत ही कम फीस में हो रहा है, और मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई और कोर्स होगा जिसमें इनडायरेक्टली एक रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन किस तरह का? रिजर्वेशन जॉब पाने का। आप जब एक किसी कोई भी भारत में कंपनी है अगर उसकी कैपेडअप कैपिटल 5 करोड़ से उससे अधिक है तो बाई लो उन्हें कंपनी सेक्रेटरी रखना मैंडेटरी है उस कंपनी में। जी सर। ओके, ये ऐसा कोई कानून की रिक्वायरमेंट है? जी, ये कंपनी अधिनियम की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी पेडअप कैपिटल 5 करोड़ या उससे अधिक है तो आपको एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मस्ट है। और अगर नहीं रखा तो? अगर आपने नहीं रखा है तो उसके फिर आपके जो पेनल्टी प्रोविजन है वो आपको करने, तो उसको अवॉइड करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट तो जरूरी है। बिल्कुल सर। जो जिन कंपनी की पेडअप कैपिटल 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ या उससे अधिक है, ठीक है। और आपने एक और बताया कि वो अपना खुद का प्रैक्टिस कर जी सकता सर है। खुद का किस तरह के काम कर सकते सर? प्रैक्टिस के अंदर कॉर्पोरेट कंप्लाइंस है, जीएसटी प्रैक्टिशनर है, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड प्रैक्टिशनर बन सकते हो आप, रजिस्ट्रेशन जो आपके रजिस्टर्ड वैल्यूअर के आपके जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल है, इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन के ऑप्शंस अवेलेबल है, एनसीएलटी है, और हाल ही के अंदर 9 अगस्त को एक नई एक रिकॉग्निशन और मिली है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन को, जिसके अंतर्गत जो आर्बिट्रेशन एक्ट है उसके अंदर एज ए आर्बिट्रेटर एक्ट करने का कंपनी सेक्रेटरी को प्रावधान मिला है। अच्छा, वो आर्बिट्रेशन की संभावना भी कंपनी सेक्रेटरी के पास में है। इसके अलावा आपने बताया जैसे कंपनी रिटर्न फाइल करना है, ये सारे के सारे काम कंप्लाइंस से जो कर सकते हैं जी सर, ये सारी संभावना है। और एक जॉब में अगर पर्सन आता है तो जॉब में उसका क्या काम रहता है? सर एक कंपनी सेक्रेटरी जब जॉब में आता है तो उसके वहाँ पे एक बैलेंस बनाने का रोल रहता है। बैलेंस किस तरह का? कंपनी सेक्रेटरी पहले दिन से ही बोर्ड के साथ काम करता है, वो एक मात्र की मैनेजर पर्सन है जो डे टू डे अफेयर्स भी डायरेक्ट बोर्ड से जाके डिस्कस करता है। बेसिकली एक तरह से वो एक ब्रिज का एक रोल प्ले करते हैं टॉप मोस्ट पोजीशन और बाकी के जो कंपनी के विंग्स हैं उनके साथ, स्टेक होल्डर्स जी सर। तो स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को, कंपनी के इंटरेस्ट को, बोर्ड के इंटरेस्ट को, सबको बैलेंस के अंदर चलाते हुए कंपनी सेक्रेटरी का एक बैलेंसिंग एक रोल रहता है, और बहुत ही यूनिक रोल है। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसे की ऑफिशियल्स होंगे जिनको पहले दिन से ही किसी कंपनी के बोर्ड के साथ बैठने का मौका मिले। अच्छा, मतलब कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करता है जी सर, और मीटिंग केवल मीटिंग कंडक्ट करता है, बैलेंस या ब्रिज का काम करता है, और इसके अलावा कई कंप्लाइंसेज भी कंपनी सेक्रेटरी करता है। ओके, तो एक बड़ा यूनिक सा रोल कंपनी सेक्रेटरी का, स्पेसिफाइड सा रोल अवेलेबल है। अब चूंकि आपने बताया करियर्स की अपार संभावनाएं हैं, इनके अलावा एक कोई कंपनी सेक्रेटरी करने के बाद में अगर वो बिजनेस में जाना चाहता है जी, तो क्या बिजनेस के प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल हैं उसके पास में, या कोई एंटरप्रेन्योरशिप या जो स्टार्टअप की बात करें ऐसा कोई रोल भी हम एनविजेज कर सकते हैं? जी सर, अगर अपन एक बात करें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की, तो मैंने आपको कहा था कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हम बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी सिखाते हैं, और जो दो बेसिक जो मैंने आपको बताया था कि 2 ऑप्शन हैं, इसके अलावा जो और भी ऑप्शन हैं उसके अंदर है ना, हमारे बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अपना सेटअप कर रखा है, स्टार्टअप बनाया है उन्होंने, और इस तरह के बहुत एग्जांपल हैं हमारे थ्रू आउट इंडिया जिसमें कंपनी सेक्रेटरीज एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर के रूप में डेवलप हुए।
तो एक कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन को मदद करती है उस अपने बिजनेस या प्रोफेशन और वोकेशन आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के तौर पे काम करने के अंदर कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स आपको बहुत मदद कर रहा है। नेक्स्ट। हेलो सर, मेरा नाम रूपल गुप्ता है। एक कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद हमें क्या मिनिमम सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट होता है, या क्या कितना मिनिमम सैलरी पैकेज मिल जाने के अवसर हमें मिलते हैं? देखिए, इतना सारा जो हमारा दर्शक वर्ग देख रहा है, स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, उनका एक बेसिक सम्मान है कि सब कुछ कर लिया जाए, हमें तो बताओ कितना पैसा मिलेगा। सारे सवाल फाइनेंशियल रिलेटेड, सारे सवाल फाइनेंशियल रिलेटेड, वित्त आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जी सर, तो आप बताएं क्या मिनिमम पैकेज एक कंपनी सेक्रेटरी बनने का स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी सर, इंस्टीट्यूट जो है प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत ही फोकस्ड है, और प्लेसमेंट पोर्टल, प्लेसमेंट से रिलेटेड ऐप, इसके अलावा डे टू डे रेगुलर बेसिस पे मेगा प्लेसमेंट प्रोग्राम, रीजनल लेवल पे प्लेसमेंट प्रोग्राम, चैप्टर लेवल से प्लेसमेंट प्रोग्राम होते रहते हैं। और एक कंपनी सेक्रेटरी का जो बेसिक, जो मैं पैकेज की बात करूं, वो स्टार्टिंग होता है 5 से 6 लाख के बीच में। ये एक बेसिक मैंने बताया, लेकिन जब अगर हम बात करें कैपेबिलिटी की, क्वालिटी की, तो फिर आपकी कोई लिमिट नहीं है सर। हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिसमें फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी को 10-10, 12-12 लाख के पैकेज भी लगे हैं, स्टार्टिंग पैकेज ऑफर हुए हैं। जी, और उसके बाद अपनी कैपेबिलिटी और कैलिबर के बेस पर वो एक हाई तक पहुंच सकता है। जी सर, तो क्या बहुत ज्यादा पैकेज भी कंपनी सेक्रेटरी को मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती? जी सर, लेकिन उसके कैलिबर पे डिपेंड करता है। बट एक अगर बात करें, स्टार्टिंग जो पैकेज है वो लगभग 6-5-6 लाख का पैकेज अवेलेबल है सालाना, और धीरे धीरे उसकी कैलिबर के बेस पर, टैलेंट के बेस पर बढ़ता रहता है वो। तो पैकेज का तो आपने अच्छी जानकारी दे दी इसके। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार सर, मेरा नाम भव्या भंडावत है। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा सिनेरियो चल रहा है, तो मुझे ये जानना है कि कंपनी सेक्रेटरी में वुमेन का क्या स्कोप हो सकता है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज एज अ गर्ल परस्यू आगे कर सकते हैं? राहुल जी, एक जनरल एक अगेन प्रेजम्पशन ही है इसमें कि इस कोर्स को गर्ल्स ज़्यादा ज्वाइन करती है, और शायद अगर इंस्टीट्यूट कुछ रिकॉर्ड्स अगर डेटा भी अवेलेबल कहीं में पढ़ रहा था, उसमें गर्ल्स का नंबर ज़्यादा है। जी, तो वुमेन एम्पावरमेंट के टाइम पर किस प्रकार की गर्ल्स के लिए कोई विशेष प्रिविलेज एक तो अवेलेबल है, और गर्ल्स इस कोर्स को परस्यू करके किस प्रकार से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करना, ये सारे के सारे काम कर सकती हैं? सर, ये जो कोर्स है ये बेसिकली आपके कंप्लायंस रिलेटेड है, डेस्क जॉब है आपका, फील्ड से संबंधित कोई काम नहीं है। और आज अगर हम बात करें वुमन एम्पावरमेंट की है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई आज के डेट में कोई स्थिति है। आज के डेट में हमारी जो वुमेन जो नेशन की है वो हर फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है, और सब एक से बढ़कर एक आगे निकल रही है। और ऐसे के अंदर अगर एक फीमेल इस कोर्स के अंदर ज्वाइन करती है, तो उनके लिए अपार संभावना है इसके अंदर, और कंपनी के अंदर उनको एक डेस्क जॉब करना है, एक बढ़िया एक कैबिन में आपके अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ आपको जॉब करना है, फील्ड के अंदर आपको कोई इधर उधर कोई फील्ड का वर्क नहीं है, तो उनके लिए एक अच्छी अपार सफलताएँ हैं। और फीमेल्स हमारे जो प्रोफेशन के अंदर आप कह रहे हो कि अच्छा नंबर है, हाँ एक इक्वलेंट नंबर है, ऑलमोस्ट इक्वल पोजिशन पे मतलब हमारे मेम्बर्स हैं मेल और फीमेल्स, तो लगभग बराबर मेंबर है मेल और फीमेल, मतलब फीमेल भी इस कोर्स को काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। जी सर, और कोर्स करने के बाद में जो कि उनको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करना या कंप्लाइंस वाले पार्ट करना, वो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं आती। एक वापस क्वेश्चन आता है कि क्या कोई सैलरी डिफरेंस या रेमुनरेशन का डिफरेंस मेल और फीमेल के बीच में जनरली कंपनीज करती हैं, या ऐसा कुछ भी एक भ्रांति है? ये भी बिल्कुल भ्रांति है सर, और हमारे जो रिजल्ट्स जब भी देखे हमने, उसके अंदर हमेशा लड़कियों ने बाजी मारी है, और हमेशा मेरिट जो है उसमें मैक्सिमम गर्ल्स आती है, और जो मेरिट होल्डर्स होते हैं उनका ऑब्वियसली बात है कि उनका पैकेज भी अच्छा लगता है। तो ये एक भ्रांति है कि कोई है ना डिफरेंशिएट होता है कोई मेल या फीमेल के अंदर, बहुत ही कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और प्रोफेशनल कोर्स है, और आपके प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर आपका पैकेज डिपेंड करता है। और कहा भी जाता है जो कंपनी सेक्रेटरीज अगर फीमेल हैं तो एक अच्छी डायरेक्टर भी बन सकती हैं। जी सर, क्योंकि उनके साथ में एक इमोशनल अटैचमेंट का पॉइंट उसमें साथ में इंक्लूड होता है। कई बार पेपर में पढ़ा है, इवन सेबी का भी हमने देखा है कि एक अच्छे डिसीजन तभी ले जा सकते हैं जब कंपनी सेक्रेटरी फीमेल के रूप में, एक वुमेन डायरेक्टर के रूप में भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट। हेलो सर, मेरा नाम रेनू चौधरी है। मुझे ये जानना है कि अगर हम सीएस करते हैं तो अगर हमें फॉरेन में जॉब करनी है तो फिर हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज होगी? देखिए, अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक पर्सन अगर इंडिया से कोई कोर्स करता है तो बाहर जाना चाहता है, विदेश में जाना चाहता है, तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या विदेश में अलग से कुछ पेपर पास करना पड़ेगा अगर वो प्रैक्टिस या जॉब करना चाहता है, और किस प्रकार के पैकेज वहाँ पर अवेलेबल हैं? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 2 ओवरसीज सेंटर्स हैं, एक दुबई के अंदर है, एक न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे देशों के साथ MOU साइन किया हुआ है,
और इसी के अंदर जो पहला एमओयू साइन हुआ था वो 1995 के अंदर ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एसोसिएशन जो एक इंटरनेशनल अपेक्स बॉडी है उसके साथ हुआ था और वो भी जयपुर में साइन हुआ था। तो उसके अंतर्गत यूके के अंदर कोई भी कंपनी सेक्रेटरी अगर वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करना चाहता है या जॉब करना चाहता है तो वहाँ पे उसकी उस यूके की जो एसोसिएशन है उसके सिर्फ एक या दो पेपर क्लियर करने पड़ेंगे और वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ का जो उसने कोर्स कर लिया पूरा जी, उसके बाद में एक या दो पेपर वहाँ पर अटेम्प्ट किए, उनको पास किया और वहाँ पे भी उनको मेंबरशिप, अच्छा मेंबरशिप मिल जाएगी उसको। और मेंबरशिप करने के बाद में उसको वहाँ पर प्रैक्टिस या जॉब करने में किसी दिक्कत नहीं आएगी? दिक्कत नहीं आएगी सर। अच्छा, तो क्या जो पैकेज की बात करें वहाँ वो क्यों जाना चाहेगा? क्या यूके में ज़्यादा पैकेज मिलेगा या वहाँ पर एक काम डिफरेंट तरह का है, वो किस प्रकार से कोप अप करेगा? सर अगर अपन काम की बात करें तो गवर्नेंस या कंप्लाइंस जो है वो हर देश के अंदर ऑलमोस्ट सेम से है, और रही बात पैकेज की तो हाँ थोड़ा अपने के अंदर डिफरेंस आता है। आप अगर यूके के अंदर जाके अगर आप ना प्रैक्टिस करते हैं या जॉब में आते हैं तो आपका अर्निंग्स थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, और पैकेज की अगर मैं बात करूँ जॉब के अंदर वहाँ पे सो अप्रॉक्सीमेटली अगर अपन बात करें तो वहाँ पे आपका 20-25 इनिशियली आपका पैकेज इंडियन रुपीज के अंदर लगता है। अच्छा, आपके तो ज़्यादा पैकेज मिलेगा और बाद में अगेन जैसा आपने बताया कैलिबर के बेस पर बढ़ता है। अच्छा, एक हम और पैकेज की जनरली एक युवा क्वेश्चन रहता है, गवर्नमेंट जॉब का बड़ा अट्रैक्शन उनको रहता है, तो क्या सीएस करने के बाद में किस तरह गवर्नमेंट में विशेष संभावना अवेलेबल है या जो नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं उसको पास करने पड़ेंगे या कोई अलग से वैकेंसीज का क्राइटेरिया रहता है? सर जो कि मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी भारत में कोई भी कंपनी होगी 5 करोड़ या उससे अधिक उसकी पेड अप कैपिटल है, चाहे वो निजी कंपनी है या पब्लिक कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है, उन्हें कंपनी सेक्रेटरी रखना अनिवार्य है। तो इसी के अंदर पहला जो एक अगर गवर्नमेंट कंपनी की मैं बात करूं तो वहां पे आपको एक कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट वहां पे मिल गई। इसके अलावा भी कंप्लायंस ऑफिसर से रिलेटेड या और आपके सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी जो वैकेंसीज निकलती हैं उसके अंदर भी अपार संभावनाएं हैं कंपनी सेक्रेटरी के लिए गवर्नमेंट जॉब में। मतलब गवर्नमेंट जॉब में पर्याप्त संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में किसी तरह रेस्ट्रिक्शंस हैं? जी। अच्छा अच्छा, और हाल ही में हमने देखा है कि बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं जिनके अंदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर सीएस को भी इंक्लूड किया गया एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की वैकेंसी है उसमें बाकी क्वालिफिकेशन के साथ में सीएस को भी उन्होंने। जी सर। तो ऐसा जरूर नहीं कि कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी का काम ही करे, इसके अलावा चाहे तो बाकी जो एरियाज हैं, बिल्कुल बाकी जो एरियाज हैं उनके अंदर भी वो, जैसे और एरियाज को एग्जांपल देना चाहेंगे? जी सर, अगर अपन बात करें हम टैक्सेशन की पढ़ाई भी करते हैं तो अकाउंट से रिलेटेड जो जॉब्स निकलती हैं उनके अंदर भी एलिजिबिलिटी अपन कंपनी सेक्रेटरी की लेने लगे आजकल। अच्छा, इसके अलावा क्या कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी काम ही कर सकता है या और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ या फाइनेंस हुआ या एचआर हुआ या मार्केटिंग हुआ, इनमें भी वो अपना रोल प्ले करता है? सर कंपनी सेक्रेटरी जो है उसका जो ओवरऑल अपन अगर वे बात करें तो बहुत बड़ा एक वास्ट रोल है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस ही नहीं, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया है, एडवाइजर टू बोर्ड हो गया है, आपके जो फॉरेन जो मनी जो आपके हैं उससे रिलेटेड जो कंप्लायंसेस है उसकी है, जीएसटी से संबंधित काम है, तो एक बहुत ही वास्ट रोल है, वैल्यूएशन है, इंसॉल्वेंसी है, आर्बिट्रेशन है, तो अपार संभावनाएं हैं और बहुत बहुत ही डिटेल्ड एक एरिया आपके पास अवेलेबल है जिसके अंदर वो काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है बनता है कि जो आपने पैकेज के बारे में अच्छी जानकारी दे दी, एक ड्यूअल क्वालिफिकेशन का एक समय चल रहा है जी, तो बहुत संक्षिप्त से बताएं क्या कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के साथ में कुछ और क्वालिफिकेशन लेना उचित रहेगा या नहीं रहेगा या किस तरह का लिया जा सकता है? सर वैसे तो कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स जो है वो अपने आप में पर्याप्त है, पर अगर अपन बात करें कि जो स्टूडेंट की जो एक इंटरेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो साथ में और कौन सा कोर्स करना चाहता है, अगर वो लो करते हैं तो एडिशनल उनको एक एडवांटेज उनके सीवी में जुड़ जाएगा। ठीक है, एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए भी कर सकते हैं। चलिए राहुल जी, समय की अपनी सीमा है, बड़ी अच्छी बड़ी अद्भुत जानकारी आपने दी है, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे युवा साथियों को? जी सर, मैसेज के लिए मैं युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा कि 2017 के अंदर जब हमारी 50वीं वर्षगांठ थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे फंक्शन में आए थे और उन्होंने हमसे 3 वादे मांगे थे। पहला वादा कि कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट इस देश के अंदर एक बहुत अच्छा टैक्स कंप्लाइंट नेशन डेवलप करने के अंदर हेल्प करें, दूसरा 2022 तक जब देश 75वीं वर्षगांठ मनाएगा आजादी की तब कोई भी शेल कंपनी ना रहे, और लास्टली उन्होंने ये कहा था कि हम 2022 तक ये एंश्योर करें कि देश में एक इथिकल ट्रांसपेरेंट बिजनेस कल्चर डेवलप होए, और मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि हमारे इस मिशन के अंदर वो इस कोर्स को ज्वाइन करके इसको फुलफिल करें।
चलिए राहुल जी, बहुत अच्छी जानकारी दी, प्रोग्राम जुड़ने के लिए धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।